नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला, हाजिर हूं 4 बजे पंजाब हरियाणा के साथ। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भगवंत मान को पंजाब आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने पर पंजाब आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। जी हां, भगवंत मान को पंजाब की आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पर गुरप्रीत घुग्गी ने बड़े सवाल उठाते हुए आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि वो व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो उस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं जिस प्रक्रिया से भगवंत मान को पंजाब आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। घुग्गी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले सभी 117 उम्मीदवारों की राय भी ली जानी चाहिए थी। घुग्गी ने पार्टी छोड़ते वक्त बड़ा खुलासा किया कि पार्टी में अच्छे बंदों को आने नहीं दिया गया। घुग्गी ने कहा कि उन्होंने सुच्चा सिंह छोटेपुर को मनाने की कोशिश की। घुग्गी ने कहा कि उन्हें सुच्चा सिंह छोटेपुर का वो वीडियो भी नहीं दिखाया गया जिसके चलते छोटेपुर को हटाया गया था। घुग्गी ने कहा कि पार्टी के ही सांसद धर्मवीर गांधी का नाम उन्होंने पंजाब अध्यक्ष के लिए सुझाया था कि धर्मवीर गांधी को मनाकर पार्टी में लाया जाए। उन्होंने HS फुलकर का नाम भी सुझाया था, लेकिन गुरप्रीत ने कहा कि उनकी एक नहीं सुनी गई और भगवंत मान को जो अध्यक्ष बना दिया गया। सोमवार को PAC की बैठक दिल्ली में हुई थी आम आदमी पार्टी की, और उसमें अध्यक्ष भगवंत मान को बनाया गया था। भगवंत मान सांसद हैं संगरूर से आम आदमी पार्टी के। चावा नाल मैं पार्टी ज्वाइन की सी और बड़े भरे मन नाल आज मैं आम आदमी पार्टी तो अस्तीफा दे रहा, मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा दे रहा। मैं पंजाब लई, पंजाबी लई, पंजाबीयत लई जिथे जिथे खड़ना पएगा, जो जो करना पएगा मैं कॉन्टीन्यू करांगा, करदा रहांगा। पर हुणे पार्टी जिहड़ी सिद्धांतां तो भटकदी नज़र आ रही है, उहदे नाल रह के होर ज़्यादा काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होएगा। कल नूं इस पार्टी दे विच कोई चंगा काम नज़र आएगा, कोई चंगे बंदे फिर अगे नज़र आउंदे, मैनूं नज़र आउणगे आउंदे होए, तो मैं सपोर्ट कर देंगा, बाहरों बैठा करां चाहे वोट पावां। जो तरीका गलत सी कि तुसीं 20 MLA जिहड़े तुहाडे अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, तुसीं जो कहोगे उन्हां कित्थे भज जाणा विचारियां ने, ते बाकी 20-22 बंदे पिक एंड चूज कि इहनूं बुला लो इहनूं बुला लो, उह बंदे बुला के तुसीं कह रहे हो असीं चोण प्रक्रिया कीती है। इह कोई चोण प्रक्रिया नहीं है। चोण प्रक्रिया पंजाब दे 117 कैंडीडेट, फस्ट मैं कहांगा साहब साहब जिहड़े कैंडीडेट्स ने उन्होंने काम किया पंजाब दे विच, उन्होंने 50,000 वोटा भी पई हैं। कोई 2,000 वोट ना हारिया, कोई 4,000 ना मान लो, वो कैंडीडेट्स भी ने जिन्होंने 40,000 50,000 वोटा भी पई हैं, उन्होंने 50,000 लोगों ने वोट पाती, पर उन्होंने वोट पाने का हक नहीं है कि अगला प्रधान कौन होएगा। तो गुरप्रीत घुग्गी ने पार्टी को अलविदा कह दिया, कुछ कह रहे हैं गुरप्रीत घुग्गी, सीधा उनका रुख करते हैं। वायरल हो रहे हैं उनका, अगर जो एक आदत उनको हो गई थी शराब पीने की, तो उसके मैं पहले उनको डिफेंड करता रहा हूँ। मैं कहता रहा हूँ कि नहीं कोई बात नहीं यार, ऐसा नहीं होता, आरोप लग रहे हैं। अब जब वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सारा कुछ लोग देख रहे हैं, तो पार्टी को क्या जल्दी है, एक बार उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए कि आप इस चीज़ को अच्छे से छोड़ लो, फिर सारी जिम्मेदारी ले लो। और पहले भी उनके पास तो बहुत पावर है, वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और पार्लियामेंट में वो नेता हैं हमारे दल के, और वो यहाँ कैंपेन इंचार्ज हैं पंजाब के, कन्वीनर से ज़्यादा पावर वैसे ही हैं। इस पावर के साथ वो क्या बड़े हो जाएंगे? किसी और बंदे को भी एम्पावर किया जाता, धर्मवीर गांधी साहब को मना के ले आते, सुखपाल सिंह खैरा को, नहीं तो फुलका साहब को, किसी और को बना देते हैं। अभी दे दिया मैंने आपको बताया, मैं रिटर्न में इस्तीफा भेज दूंगा, मीडिया में मैंने इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी की, जो एक फंडामेंटल जो मेंबरशिप होती है उससे मैंने इस्तीफा दे दिया। तो गुरप्रीत घुग्गी आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक हैं पंजाब इकाई के, उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर पंजाब आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई से जुड़ी हुई, और कहा कि अच्छे लोगों को नहीं आने दिया गया इलेक्शन से पहले, जो गुरप्रीत घुग्गी कह रहे थे। गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि भगवंत अच्छे बोलने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में गाड़ी नहीं जा सकती। किसी होर लीडर नू क्यों नहीं नाल एम्पावर कर रहे तुसी? मैं तो जाना है, पर मैनू लीडर दस दो कि किनू मैं बैटन फड़ा के जा रहा, वो नहीं दस्या इन्होंने। मैं चाहता सी किसी स्याणे बंदे हथ पार्टी होवे, मैं वेला होवां,
ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਫੜੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਚਿਓਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 45 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੱਸ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ।